Hello and welcome to our channel, The Indian Food Dictionary. ई रोज मनम इडली चेस्तामु, तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या लगेगा इसे बनाने। सबसे पहले हम 4 कटोरी चावल एक बोल में लेंगे, उसे अब अच्छे से वॉश कर लेंगे। सिमिलरली अब एक कटोरी उड़द दाल ले लेंगे, उसमें एक चम्मच मेथी डालकर धो लेंगे। अब इन दोनों को 5 से 6 घंटे तक पानी में भिगोने रखना है। अच्छे से भीगने के बाद इन्हें मिक्सी में पीस लीजिए। अब साथ ही हमें कटोरी पोहा 5 से 10 मिनट के लिए भिगोना है और उसे भी पीस लेना है। उड़द दाल की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी रखनी है और राइस की कुछ ऐसे। इसमें हम 1 टीस्पून सोडा और 1 टीस्पून सॉल्ट मिलाकर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पिसा हुआ पोहा डाल लेंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पर लिड रखकर लगभग 6 घंटे फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। छह घंटे बाद ये फूल गया है, काफी फ्लफी हो गया है। तो चलिए अब इडली के पैन को ग्रीस कर लेते हैं और इसमें बैटर डालते हैं। बैटर ज्यादा नहीं भरना वरना ओवरफ्लो हो जाएगा, और बहुत कम भी नहीं रखना है बिकॉज फिर आपकी इडली फ्लैट बनेगी। इडली स्टीमर को गैस पे चढ़ाने से पहले हम इसमें थोड़ा पानी और उसमें कटा लेमन डाल रहे हैं। अब इसके प्लेट्स लगाकर स्टीमर को हम मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक इडली बनती है देख लेते हैं कि कोकोनट चटनी कैसे बनाएं। इसके लिए हमें लगेगा गीला नारियल, हरी मिर्च, भुना चना दाल जिसे हम दालिया बोलते हैं, और लेमन। इन सबको आप पीस लें। चटनी हम ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इस पे थोड़ा तड़का लगाकर खाएं तो और भी स्वादिष्ट लगती है। अब हम इडली चेक कर लेते हैं। इडली अब रेडी हो गई है। इसे चम्मच या चाकू की मदद से कुछ इस तरह से निकाल ले। Your soft and fluffy idli is ready to be served. Yum! आपकी इडली कैसी बनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस रेसिपी विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू योर चैनल द इंडियन फूड डिक्शनरी। Thanks for watching. See you in the next video.